दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के मन में डर बना है। पूरी दुनिया इस फंगस से लड़ रही है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम इसका इलाज खोज रहे हैं। इस बीच बिहार के डॉक्टर्स ने इस फंगस का आयुर्वेदिक इलाज खोजे जाने का जिक्र किया, दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि बता रही हैं बिहार के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर जोंक के जरिए इस फंगस के इलाज का दावा करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जोंक की खासियत है कि वो शरीर से गंदा खून चूस कर डेड सेल को नष्ट कर देती है और शरीर में कहीं भी स्किन खराब होने और ब्लड सप्लाई बंद होने की स्थिति में वहां डेड सेल को एक्टिव करने में जोंक काफी मददगार होती है। डॉक्टर इलाज की इस विधि को जलौका कहते हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का कहना है, गंभीर फंगस के लिए जलौका विधि सदियों से कारगर रही है। नए मामले आते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास अब तक ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया। डॉक्टर प्रसाद बताते हैं कि जलौका विधि को ग्लूकोमा के मरीजों के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये काफी प्राचीन और प्रचलित तरीका है। इसमें ग्लूकोमा के साथ फंगस का इलाज किया जाता है। बताया ये भी गया कि फंगस के इलाज के लिए कई अलग अलग तकनीक के साथ जलौका को लेकर तैयारियां हो रही। बता दें, ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर मरीजों की आंखों पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक आंखों के मामले में जलौका विधि काफी कारगर है। पटना एम्स के कोविड 19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार का भी इस पर मिला जुला तर्क है। उन्होंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट एंटी फंगल मेडिसिन या फिर सर्जरी से किया जा सकता है, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि डॉक्टर जिस जोंक की मदद से फंगस का इलाज करने की बात कर रहे हैं वो उनके पास फिलहाल तो है नहीं। हालांकि डॉक्टर इसकी तलाश में लगे हैं और अभी तक फंगल के इलाज के इस तरीके को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं, या फिर ये कहें कि आने वाले समय में बाबा रामदेव की तरह कोरोनिल की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और उस वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।